All the viewers of Bollywood Life, welcome to a super special interview. We have got the very refreshing, the very alluring and the very talented Paulomi Das with us today. और आज वो हमारे साथ जुड़ी है क्योंकि उनका जो नया वेब सीरीज है पौरुषपुर वो कुछ ही साल के अंत में आने वाला है ये वेब सीरीज एंड इट इज लुकिंग लाइक नॉट लुकिंग लाइक इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव मोस्ट लैविशली शॉट एंड मोस्ट इंट्रीगिंग वेब सीरीज लग रहा है और उनका रोल भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो हम इंडिया का पहला मैग्नम ऑपस वेब सीरीज बाय द वे तो ये कहना जरूरी है उनका रोल भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इस दोनों चीजों के बारे में उनके करियर के बारे में हम बात करने वाले सो वेलकम टू यू कॉलोनी थैंक यू सो मच रस थैंक यू ओके तो सबसे पहले ऑब्वियसली जो चीज सब लोग अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं मोशन पोस्टर्स देखने के बाद टीजर देखने के बाद फाइनली वो जो भारी ट्रेलर था वो देखने के बाद कि पौरुषपुर ये जो वेब सीरीज आने वाली है ये इतना लैविश इतना जो जिसको जैसे शूट किया गया इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये कह सकते कि इट्स इंडियाज आंसर टू गेम ऑफ थ्रोन्स तो जब को आपको ये प्रोजेक्ट मिला भी था क्या आपको भी ऐसा लगा जब आप स्क्रिप्ट पर पढ़ रही थी कि ये वही है I'll be very honest with you. When जब मुझे narration मिला था तो मुझे लगा नहीं था कि it will turn out to be the one of the grand web series so far on the Indian platform. मुझे सच में नहीं लगा था. But narration के बाद मुझे the most important thing जो मुझे सबसे ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी इस web series की वजह से जिसके वजह से मैंने हाँ कहा था. That was of course my character and the message behind this entire web series. So that was the first thing that I said yes before knowing that it is going to be one of the grand web series in Indian platform. But जब हम लोग set पे गए when we went to the ND studio Karjat तब हमें पता चला कि it is just not a web series, it is the web series that I'm doing. तो वो I think set में जाने के बाद ही हमें पता चला था. उससे पहले हमें बिल्कुल भी idea नहीं था कि हम लोग exactly क्या represent कर रहे थे. तो जब आप गए and it finally hit you कि अरे बाप रे ये तो हमने जो सोचा तो कहीं ज्यादा निकला ये. तो उस वक्त कैरेक्टर को तो आपने अप्रोच किया तो उस वक्त तो थोड़ा ज्यादा आधा थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर आ गया नहीं तो दिस आई हैव टू एक्सेप्ट पाएगा बहुत तो नहीं मेरे लिए हर प्रोजेक्ट में जब शुरू करती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में रहती हूँ लेकिन ये गेम चेंजर हो सकता है ये तो गेम चेंजर हो सकता है इट इज अ गेम चेंजर यू नो इट इज अ गेम चेंजर वो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था वो हमें सेट में जाने के बाद पता चला तो जनरली जितना मैं प्रेशर में होती हूँ वो पता लगने के बाद आई थिंक मैं और भी ज्यादा प्रेशर में आ गई कि दिस इज समथिंग लाइक रियली बिग यू नो तो और हमें एक्चुअली थोड़ा बहुत समझ में आता जब हमने देखा कि ऑन बोर्ड अनु जी है शिल्पा जी है मिलन सोमन है शहीर है तो ऑब्वियसली हमें लगा था कि ओके दिस इज समथिंग बिग पर हमें लगा नहीं था कि दिस इज सो बिग यू नो इट इज एब्सोल्युटली नॉट आई वाज नॉट रियली प्रिपेयर्ड बट व्हेन वी वेंट टू द सेट एंड वी रियलाइज्ड ओके दिस इज समथिंग लाइक A game changer, in your words. टीवी से आप आई हो पौलोमी एंड उसमें तो आपने जो काम किया लोगों को काफी पसंद आया सुहानी सी एक लड़की दिल्ली तो है अघोरी अलग अलग टाइप के रोल्स किया है आपने वहाँ पे हमने ऐसे लैविश प्रोजेक्ट्स टीवी में भी देखा है लेकिन क्या डिफरेंस है क्या आपको लगता है कि जो इंट्रीग है जो एक पॉलिटिकल इंट्रीग है जो जिस तरह से वो जो ड्रामा लाया गया है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ड्रामा लग रहा है क्या हम ये टीवी पे कभी रेप्लिकेट कर पाते कि ये ओटीटी के लिए ही बना है एक्चुअली हम जब भी टीवी की बात करते हैं ना तो टीवी में एक सडन पॉइंट के जो ऑडियंस होते हैं और हमारे टीवी में सेंसर्स भी बहुत ज्यादा है कि हम टीवी में एक हद से ज्यादा कुछ चीज दिखा नहीं सकते जी. तो आई थिंक जब भी हम टीवी बोलते हैं ना हम अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं बहुत सारी चीजों के साथ तो वही वो आई थिंक इसीलिए ये वेब सीरीज आना बहुत जरूरी था हमारे लिए क्योंकि एज एन एक्टर एज एन प्रोड्यूसर एज अ डायरेक्टर एज अ क्रिएटिव
हमारे पास वो बाउंड्रीज नहीं रहती है फिर जब हम वेब सीरीज की बात करते हैं, तो हम उस बाउंड्रीज से ऊपर जाके हम अपने सेटिस्फेक्शन के साथ काम कर सकते हैं विद ऑल आवर क्रिएटिविटी, विद ऑल आवर माइंड एंड सोल एंड एवरीथिंग. तो आई थिंक कुछ कुछ चीजें ऑब्वियसली हम ऐसे ग्रैंड शोज ऑलरेडी टीवी पे बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे चंद्रकांता है, फिर अलादीन है, फिर अशोका है. अशोका वाज वन ऑफ द आई यूज्ड टू वॉच अशोका आई रिमेम्बर. एंड तो बहुत सारे ग्रैंड शोज आ चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन वो आएंगे भी तो बहुत सारे बाउंड्रीज के साथ आएंगे, यू नो व्हाट आई मीन. बट वेब सीरीज में वो बाउंड्रीज हमारे नहीं होते हैं. वेब सीरीज में वी कैन डू व्हाट एवर वी वॉन्ट टू डू, वी आर एब्सोल्युटली, हिंदी में कहावत है ना कि खुला सांड. बाकी कुछ कुछ तीन चार शब्द मुझे भी याद नहीं आ रहे, but yeah, something like that. लोग समझ गए. ये काफी अच्छी बात कही आपने. तो जब हमें सुनने में आ रहा है कि अभी INB मिनिस्ट्री में शिफ्ट हो चुका है, एक्चुअली ये पॉइंट जब आपने निकाला तब मुझे ये सवाल याद आया कि INB मिनिस्ट्री में शिफ्ट हो रहा है और उसके बाद लोग सेंसरशिप के बारे में बात कर रहे हैं OTT. कहीं ना कहीं ये रिडिकुलस जो है, ये थोड़ा सा रिडिकुलस है ना, क्योंकि है तो इंटरनेट पे आप कैसे सेंसर करोगे. नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो सेंसर उनको किन, आई थिंक पॉलिटिकली उनको कुछ चीजें सेंसर करना मे बी जरूरी है. आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पॉलिटिक्स एब्सोल्युटली. बट आई थिंक अगर आप अडल्ट्री या फिर वैसे चीजों में करोगे तो आई थिंक दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वेब हैज लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक इफ यू आर नॉट if you are under 18 you can't even open that portal, you know, that's very much mandatory. That's very much mandatory. And आप अगर किसी चीज को रोको के लोगों को देखने के लिए, लोग और ज्यादा उस चीज को देखने के लिए उत्साहित हो जाएंगे. तो आई डोंट नो, इधर यू हेल्पिंग और इधर यू आर पुशिंग इट, आई डोंट नो. इट इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग टू इवन डिस्कस, बट आई थिंक वी शुड टेल पीपल, आई मीन बाउंड्रीज ओवर अडल्ट्री आई डोंट थिंक इट डज मेक एनी सेंस. बट आफ्टर ऑल आर्ट इज अ रिफ्लेक्ट मिरर टू सोसाइटी, वही तो है. Exactly. I mean, आप किस चीज को रोक रहे हैं कि लोगों को पता नहीं है क्या होता है ये चीज, सबको पता है. Everybody who knows what's happening. हमें मॉली कॉडलिंग करना पसंद है. But अभी क्या कह सकते हैं, अभी they are the most senior person, they are the most wise man, and I know they whatever decision they take, I hope that's for a benefit. हमारी भी वही बेनती होगी, आप वाइज लोग हो तो आप वाइज डिसीजन लीजिए. स्पीकिंग अबाउट दिस जो कंटेंट है, एक हल्का सा प्रेजुडिस आता है इंडियन वेब सीरीज के खिलाफ. अगर उसमें गालियां आने लगती है, उसमें सेक्स आने लगता है, भले ऑर्गेनिक हो, द स्टोरी डिमांड्स इट, ठीक है, जबरदस्ती नहीं डाला गया. लेकिन जैसे इंडियन शोज में आता है तो लोग, इनफैक्ट हम काफी सारे यूट्यूब रिव्यूज वगैरह भी ऐसे देखते, अरे या हम फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, सबसे पहले उनकी ये शिकायत होती है. फॉरेन शोज में नहीं है. आप फैमिली गेम ऑफ थ्रोन्स फैमिली के साथ देखते हैं क्या? आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन. अगर आप वो शोज नहीं देख सकते तो अपने शोज, अपने इंडियन शोज के लिए क्यों? फैमिलीज के लिए तो हम बनाते हैं, ऐसा कौन था कि अपने फैमिली के लिए शो नहीं बनाते. फैमिली मैन देख लो, फिर कितनी सारी चीजें, आई मीन तो कुछ कुछ चीजें होती है ना, इट्स जस्ट लाइक यू कांट प्लीज एवरीवन, लाइक आप सबको प्लीज नहीं कर सकते. सो द बेटर थिंग वी कैन डू इज इग्नोर देम. आई मीन वी कांट प्लीज एवरीबॉडी ऑन द मार्केट, राइट? बट इज दिस आल्सो, डज दिस आल्सो स्पीक टू दिस माइंडसेट की अगर गोरे करेंगे, अब गोरे या फॉरेनर्स करेंगे, एक पुरानी चीज है वो लोग करेंगे, अरे गोरे, गोरे. हम करेंगे तो हमारे में वो संस्कार वाली चीज आ जाती है. इज दैट अंडरलाइंग माइंडसेट एग्जिस्टिंग? लोग भूल जाते हैं, हम वही इंडियन से, हम वही भारत से है जहाँ से सबसे पहले तो कामासूत्रा की बुक्स रिलीज हुई थी. कामासूत्रा का जो फॉर्मेट हुआ है, आप अगर कोणार्क या फिर मंदिर अगेन जहाँ पे वो सारे आपको स्कल्पचर मिलेंगे, खजुराहो में चले जाओगे तो फिर वो तो खजुराहो की मंदिर भी हमारे पास है, कोणार्क के मंदिर भी हमारे पास है, फिर कामासूत्रा भी हमारे पास, मतलब फिर क्या है यार.
स्टार्टिंग को डबल स्टैंडर्ड क्या करें, अभी जैसे ये सर सबको प्लीज नहीं कर सकते, डबल स्टैंडर्ड हट एग्जैक्टली, आप सबको प्लीज कर नहीं सकते, तो जो प्लीज हो नहीं रहे हैं उनको आप एक बार बोल सकते हो, बट बार बार उसको बोलना भी कोई फायदा नहीं, सो बेटर वी कैन जस्ट इग्नोर देम, यू नो. ठीक है, कमिंग टू योर कैरेक्टर अगेन, are there any like negative shades in your character, uske bare mein kuch batayenge aap? That you have to figure out. So basically, I believe Kala is somebody in Porushpur. She is so basically her journey is from Dasi to Rani. Like, uske kaise graph hota hai? Wo kaise ek 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 Dasi se Rani banti hai? उसके बाद रानी बनने के बाद उसके क्या क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं लाइफ में, क्या क्या उसके साथ होता है, वो किस किस दौर से गुजरती है, दैट इज द ओल्ड स्टोरी अबाउट इट. बट यही है कि ऑब्वियसली शी इज अ वेरी काइंड हार्टेड गर्ल, बट लास्ट में क्या होता है उसके साथ, आई थिंक दैट्स द स्टोरी दैट पीपल शुड नो. तो अगर मैंने अभी बोल दिया तो क्या obviously. रानियां आती रहेगी, ऐसे कुछ डायलॉग है. तो इज दिस शो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वुमेन, इज दिस भले इतना ग्रैंड है और उसमें हर टाइप के कैरेक्टर्स है, बट इज दिस प्राइमरली अ फीमेल सेंट्रिक शो, वी आर शोइंग अ लॉट ऑफ एम्पावर्ड वुमेन कैरेक्टर्स? Yes. So basically, in 16th century, you know that women never had any kind of privilege. They had a lot of boundaries. उनकी बातों को जूते के तले रखा जाता था. मतलब उनकी बात अभी भी होता है. तो हम ये दिखा रहे हैं कि उस 16th century में रहने के बाद भी कैसे, मतलब ये औरतें अपने लिए खड़े होते हैं, अपनी बात को आगे रखते हैं, और ये दिखाते हैं कि मर्द के बिना भी एक राज्य चल सकता है. सो दिस इज आई थिंक ऑल अबाउट इट, ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट. एंड आई थिंक इट इज नॉट अबाउट इन 16th सेंचुरी, एज यू जस्ट सेड, इवन नाउअडेज हम वी स्टिल लाइक यू नो लुक डाउन अपॉन अवर वुमेन, which should not be there. I'm not saying that men and women are absolutely equal. No, physically we are not equal as men, and there's no debate about and it. I will debate that. Being a professional, yeah. Being a kickboxer, I know many women who can lay a man flat. Oh, that's a good thing. But you know, but physically, एक अगर लड़का एक 10 लड़कों को मार सकता है, एक लड़की शायद आपके मतलब तो there's no debate about it, but mentally how strong we are that हम घर चलाते हैं, घर चलाना बहुत easy बात नहीं है, फिर भी हम लड़कियों को उस नजर से नहीं देखते, जितना respect वो deserve करती है एक company में उतना उसको respect नहीं मिलता है. उसके जब भी एक लड़की CEO आती है तो उसके साथ साथ बहुत सारे और भी questions आ जाते हैं कि just because she is a lady CEO. So I think we just wanted to show people through this show that that you know women are equally as powerful mentally as powerful as a man. It does not mean if just because they are women they're only there for your pleasure, your satisfaction, or for your kitchen, or for your to take care of your kids, or to take care of your house. No, she can run a company and as well as she can run an entire kingdom. So that is all about. मेंटली तो आप हमसे कई ज्यादा पावरफुल हो. थैंक यू फ्रॉम ऑल द वुमेन हु इज वाचिंग इट. ओके, आज नाउ स्पीकिंग अबाउट योर करियर ग्राफ, आई थिंक सो आप मॉडलिंग से आई थी, इंडियाज नेक्स्ट टॉप. हां जी हां जी हां जी. उसके बाद फिर टीवी हुआ, फिर ये शो आ रहा है. सो व्हाट हैज दैट जर्नी बीन लाइक, हाउ टफ इट हैज बीन, हाउ डिफिकल्ट इट हैज बीन टू ब्रेक इन द इंडस्ट्री? So basically, I am by degree, I'm a lawyer, by degree, okay. Not by profession. I have a degree of a lawyer. And uske baad, in 2014 or 15, I started modeling in Calcutta. Uske baad, main Bombay shift ho gayi. And after that, I think it's all about a roller coaster ride. It comes, sometimes it goes up, it goes down. You know, our industry is quite unpredictable, but I quite like this journey, you know, because I think I have been wiser and I have earned so much respect, knowledge,
and you know, mostly dignity from this industry, that I'm really liking this journey. This roller coaster ride has been the most amazing journey of my life, and it's still going on, touch wood. I hope in the future we only see the uphills, not the downhills, but it's a part of our job, so I'm quite liking it.